राजा एक दिन अपने राज्य के भ्रमण पर निकलता है। कुछ दूर तक टहलते हुए जाता है कि उसे एक गरीब आदमी मिलता है, तो उसकी हालत बहुत ही खराब थी। फटे पुराने कपड़े और पूरा शरीर गंदगी में लिप्त था। राजा को उस पर बहुत दया आती है। राजा अपने राज्य में ऐसे इंसान को देखकर परेशान हो जाता है, कहो कि उसके राज्य में कोई बहुत तकलीफ में है। फिर राजा ने एक निर्णय लिया कि उस गरीब के घर में चुपके से सोने की कुछ मोहरे रखवा देगा। उस दिन जब रात होती है तो रात के अंधेरे में राजा अपने गुप्तचर को आदेश देता है कि जाओ उस गरीब के घर में सोने की 1000 मोहरे चुपके से रखाओ, और साथ में ही एक पत्र राजा देता है जिस पर लिखा होता है, मैं तुम्हारे राज्य का राजा हूं, यह सोने की मोहर तुम्हारे लिए है। दोस्तों, राजा पत्र इसलिए रखवाता है कि गरीब आदमी इतने सारे सोने के मुहर्रे देखकर परेशान ना हो जाए। गुप्तचर सोने की मुहर्रे और राजा का पत्र उस गरीब के घर में चुपके से रखाता है। अब राजा मन ही मन खुश था कि उसके राज्य में अब कोई भी गरीब नहीं है। कुछ दिन बीतता है। एक दिन अचानक से राजा को उस गरीब की याद आती है, तो राजा अपने गुप्तचर से उस गरीब का हाल चाल पता करने को कहता है। कुछ समय बाद गुप्तचर वापस आता है और राजा को बताता है कि वह गरीब आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा, वह मर चुका है। राजा को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। राजा ने पूछा कि क्या उसके मरने का कारण पता चला है? तो गुप्तचर ने बोला, जी महाराज, वह गरीब आदमी कुछ दिनों पहले बहुत खुश था, सबसे मिलता था, बातें करता था, उसके अंदर काफी बदलाव आ गया था। लोगों ने बताया कि वह अपने साथ एक पोटली लेकर घूमता रहता था, किसी को पोटली के बारे में कुछ नहीं बताता था, एक किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया करता था। लेकिन महाराज पास के राज्य में एक दिन किसी काम से गया था, तो उसकी वह पोटली कुछ लुटेरों ने चुरा ली, जिसके बाद से वह बहुत बेचैन रहने लगा था, पागलों की तरह बातें करने लगा था। लोगों ने बताया कि उसकी हालत पहले से भी खराब हो गई थी। पहले तो वह लोगों के बीच में बैठता भी था, बातें भी करता था, लेकिन जब से उसकी पोटली चोरी हुई तब से वह किसी को अपने पास भी नहीं आने देता था, इसलिए कोई चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। गुप्तचर पूरी बात बताते हुए राजा के सामने एक पोटली पेश करता है जिसमें 800 सोने की मोहरे होती हैं। राजा इन मोहरों को देखकर पहचान जाता है। यह वही मोहरे थी जो राजा ने उस गरीब के घर में रखवाई थी, परंतु राजा ने तो 1000 मोहरे रखवाई थी, यहां सिर्फ 800 हैं। राजा समझ जाता है कि वह गरीब आदमी 200 मोहरों की पोटली को लेकर घूमा करता था, जिसके चोरी हो जाने के बाद से वह सदमे में चला गया और आखिरकार उसकी मौत हो गई। मुझे पता है कि अब आप क्या सोच रहे हैं, यही ना कि गरीब आदमी पागल था, 800 मोहरे बची थी, उससे अपना जीवन बेहतर बना सकता था, यही सोच रहे हैं आप। लेकिन अगर मैं यह सोने की मोहरे हटाकर उसे वक्त बोल दूं तो, जो थोड़ा सा गया है लेकिन ज्यादा जाना अभी बाकी है। मैं इस कहानी के माध्यम से आपको यही समझाना चाहता था, जो खराब हो चुका है उसके बारे में सोचकर खुद को बर्बाद मत करो, जो बचा है उसे संवार लो।